किस चीज़ों पर गलत हैं, हमारा ये अधिकार है, हमें होना चाहिए। अभी सरकार ने जैसा बताया कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का भी पालन होना चाहिए। हमारे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे जो वितरित आते गए हैं काफ़ी हद तक समाप्त हो रहा है, बच्चियों के पढ़ाई के लिए ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ जितने लोग बैठे होंगे, चाहे वो अध्यापक हों चाहे हम लोग हों, हमारे पास जो बच्चियाँ हैं उनको सबसे अच्छे एजुकेशन देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि जब एक कोई बच्चा पढ़ के आगे बढ़ता है अकेले में आगे बढ़ता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ करके आगे बढ़ती है तो एक पूरा परिवार होता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग आगे जाइए, अपने हक के लिए लगिए, और जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ हम पुलिस वालों के लिए आप मदद मांगिए, हम आपके सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो ये है, पुलिस को लेकर के एक बड़ी नकारात्मक अवधारणा बच्चों में बनी हुई है। इसका मूल कारण यह होता है कि बच्चा समझने लायक होता है उसी समय उनकी माँ सिखाती है कि बेटा ये काम करो नहीं तो पुलिस आएगी पकड़ ले जाएगी। ये सच्चाई है, हम लोग भी बचपन में सीखते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले जाते हैं आपसे मिलते हैं आपसे बात करते हैं, हाँ ये समस्या होती है कि कई बार हमारे बच्ची नाराज इतने ज़्यादा होती है कि हम झलकाए में होते हैं। कई बार होती है कि रात में सोए रही है तो फिर हमको काम करना है, तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, उसको अन्यथा नहीं लेने की आवश्यकता है। फिर भी पुलिस के लिए कलेक्टर साहब में कहा गया है कि पुलिस में एक आवश्यक बुराई है, हमें एक नकारात्मक अवधारणा में लिखे हैं